साक्षी मेरे ससुराल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। शादी के झांसे में दुष्कर्म, प्रेमी के भाइयों ने भी की छेड़छाड़। शादी का झांसा देकर एक 20 साल की युवती से दुष्कर्म करने और उसके भाइयों द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने समाधान महादेव चौहान, सचिन महादेव चौहान और गणेश महादेव चौहान सभी निवासी हड़पसर पुणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी समाधान ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं, उसके भाई सचिन और गणेश ने भी उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिलाकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। इस मामले को पहले चिंचवड़, फिर वाकड़ और अब वाकड़ पुलिस ने हिंजवड़ी पुलिस को वर्क किया है। तो खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से अमेरिकन सिंधी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑर्डर दिलाने के बहाने ऐठे 19 लाख आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज दिल्ली के फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर 2 करोड़ रुपए की दवाओं की ऑर्डर दिलाने के नाम से एक दवा वितरक के साथ 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इस बारे में महेंद्र पन्नालाल पितलिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी वासुनगर पुणे की शिकायत के आधार पर विश्राम बाग पुलिस ने रिटायर्ड सेना अधिकारी शैलेंद्र गुप्ता निवासी MIBM रोड कोटवा पुणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सेना से रिटायर्ड अधिकारी शैलेंद्र गुप्ता ने पितलिया की वर्तमान मेडिट्रेट LLP का रजिस्ट्रेशन आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर्स दिल्ली और डायरेक्टरेट जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में कर देने का झांसा दिया। यही नहीं, उनकी फर्म के जरिए बेचे जाने वाले एक्यूवेन नामक दवा की 2.5 करोड़ रुपए की ऑर्डर दिलाने का भी लालच दिया। यह झांसा देकर गुप्ता ने इसी साल जनवरी में पितलिया से समय समय पर 19 लाख रुपए ऐड किए। इसके बाद भी न तो उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ, न उन्हें कोई ऑर्डर मिला। खुद को ठगा पाकर पितलिया ने गुप्ता के खिलाफ विश्राम बाग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो अमरनाथ न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अमरनाथ सिंधी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।